क्वेश्चन नंबर तीन, अब है आपके कार फ्रेसिंग का सहसंबंध। देखो ये श्रेणी लगातार बढ़ रही है, कितने अंतर बढ़ रही है, दो दो के अंतर से, और वही श्रेणी का उल्टी वापस घट रही है, दो दो के अंतर से। पहले बताया था वही अंतर से बढ़े और वही अंतर से घटे, तो क्या होता है ऋणात्मक सहसंबंध। तो वो भी किसमें आएगा, एक उत्तर आएगा और माइनस का आएगा, याद कर भी लेंगे तो। और वो सिंपल बताया था अंतर बराबर हो लगातार बढ़ता हुआ और लगातार ये बढ़ता हुआ है और लगातार ये घटता हुआ है, वही अंतर है। तो आपके क्या आएगा, ये उत्तर आएगा एक सहसंबंध। कैसे, देखो ये तो है आपके x है, तो क्या करेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर, फिर y का भी स्क्वायर, और फिर कर देंगे x और y दोनों साथ में। या आप चाहो तो dx ले सकते हो या समांतर माध्य से भी ज्ञात कर सकते हो, कितनी भी विधियां हैं। तो एक का क्या होता है, एक तीन का नौ, पांच का पच्चीस, सात का गुण पचास, या नौ का कितना होता है इक्यासी, सात का गुण पचास, पांच का पच्चीस और तीन का नौ। अब एक्स वाई इन दोनों गुणा, नौ एकम नौ, सात या इक्कीस, पचौ पच्चीस, सात या इक्कीस, सबकी जोड़ करनी है आप, सबकी जोड़ आपको काम आएगी। एक और तीन कितना होता है, एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात, ये हो गया सोलह, तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ, ये हो गया चौबीस। कौन सा, ये वाला, और इक्यासी प्लस पचास प्लस पच्चीस प्लस नौ, ये आ गया एक सौ चौसठ। नौ प्लस इक्कीस प्लस पच्चीस प्लस इक्कीस, ये आ जाएगा छिहत्तर। और एन कितने हैं, चार, एन कितने हैं, एक दो तीन चार, ऐसे। अब हम ज्ञात करेंगे आर का सूत्र, क्या ज्ञात करने का, सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना है, छिहत्तर इंटू एन कितना है, चार, सिग्मा एक्स इन दोनों की जोड़ सोलह और चौबीस, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, चौरासी इंटू एन कितना है, चार माइनस सोलह का होल स्क्वायर। यहां पर कितना है आपके, सिग्मा वाई स्क्वायर छिहत्तर, हाँ एक सौ चौसठ, एक सौ चौसठ इंटू चार माइनस चौबीस का होल स्क्वायर। छिहत्तर को गुणा करेंगे चार से और घटाएंगे उसमें से, देखो छिहत्तर इंटू चार तो है प्लस का और सोलह इंटू चौबीस है आपके माइनस, टोटल एम आर हो गया है माइनस का अस्सी। चौरासी इंटू चार में घटाएंगे सोलह तो कितना आएगा आपके अस्सी, और यहां भी गुणा करके घटाएंगे तो कुत्तों में कितना आएगा आपके अस्सी, ये माइनस अस्सी है ही है, जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा क्या, ये क्या आ जाएगा आपके बार आ जाएगा, भाग दो तो क्या आएगा आर माइनस का एक आ जाएगा, तो आर आगे माइनस है। लगातार बढ़ती हुई है, जिस अंतर से बढ़ती हुई है उसी अंतर से घटती हुई, एक बढ़ती हुई एक घटती हुई, तो उत्तर किस में आएगा ऋणात्मक, माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा, और क्या आएगा एक हाइस्ट, एक से आगे नहीं जाएगा। अब ये वाला इसको भी आप देखो, ये तो है चाइल्ड नंबर मतलब ही नहीं, ये वाली तो इसको आप एक्स मान लो तो ये क्या हो जाएगी आपके वाई, अगर आपके पास टाइम है आराम से निकाल चाहते हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा एक्स और वाई, वैसे करो तो भी आ जाएगा। आप डीएक्स से भी कर सकते हो, मतलब किसी को भी आधार मान ले, आप चाहो तो डीएक्स से भी कर लो, डीएक्स मतलब किसी एक को आधार मान लो, इससे क्या संख्या थोड़ी इजी हो जाएगी, जैसे मान लो आधा एक्स को मान लिया, सौ को मान लो, फटाफट आ जाएगा ये, तो जो ज्यादा है वो प्लस की, जो कम है वो माइनस की, तो ये आ जाएगा आपके प्लस का पांच प्लस का चार दो एक जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस चार माइनस सात माइनस आठ, ये हो गया डीएक्स। अब है डीएक्स हो गया, अब है डीएक्स पर कर लो, आता क्या हो जाएगा पच्चीस सोलह
4 1 0 1 4 16 और कितने हो गए आपके 64। फर्क यही है कि ऐसे करेंगे फटाफट हो गए दोनों, हो गए इजी। अभी हम dx को dx से गुणा करते, x x से गुणा करते कितना टाइम लगता, वो टाइम वेस्टिंग है। लेकिन आपके पास टाइम है तो आराम से इसी का स्क्वायर करो, जैसे हमने इसमें किया था वैसे इसमें भी आप कर सकते हो। ये x है, ये y है, दोनों स्क्वायर कर लो और गुणा बात करो। आपके पास टाइम नहीं है और इजी करना चाहते हो, ये भी दोनों उत्तर एक ही आता है कोई भी लो। अब है dy, इसमें भी आप किसी को 100 को मान लो, एक ज्यादा 3 ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है कि इसे 100 इसमें 100 लो, अपनी इच्छा से इसमें भी अपनी इच्छा से कोई भी मान सकते हो, इसमें भी कोई भी मान सकते हो, उत्तर आप यही आएगा। 0 ये क्या है, 2 कम है, ये 5 कम है, ये 4 कम है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, या माइनस का 3 है, या माइनस का 6 है, सबको 100 से तुलना करनी है। ज्यादा हो तो प्लस में, कम हो तो माइनस में। अभी 100 में 94 आ गए। अब है आपके डी एक्स डी वाई, डी वाई स्क्वायर करो, पहले तो करेंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 3 9 0 4 25 16 16 64 9 36, स्क्वायर में माइनस इन आता नहीं, केवल ऐसे ही। अब है आपके डी एक्स डी वाई, इन्हें गुणा करना, 5 1 5 4 3 12 0, 2 1 2 माइनस का 0, 4 1 4 क्या बन गया प्लस का, 4 2 8 माइनस के, 8 6 32 प्लस का, 7 21 प्लस के, और 6 8 48 हो गए आपके प्लस के। इसकी जोड़ इसकी जोड़ इसकी जोड़ इसकी जोड़ इसकी जोड़ टोटल कितना है, कितना है 10। अब कितना हो गया, तो 5 4 9 9 2 11 12, ये दो ये तो कट गए वापस, अब 15 में से गए 5 पीछे, कितने बचे 10, ज्यादा कौन सा है माइनस के, यहां पर ये तो कट गया आपस में ये भी कट गया आपस में। अब है आपके 5 और 2 7 7 और 7 में से एक गया, 6 तो है आपके माइनस के, और 6 माइनस 6 तो कितने हो गए आपके 12 12 और 8 20, ये दो तो हो गए जोड़, अब ये करनी है 25 प्लस 16 21 हो गए, 25 प्लस ये 21 प्लस और 21 प्लस 49 प्लस 64, ये हो गया 180। अब यहाँ 9 4 13 14 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 16 24 प्लस 16 प्लस 24 64 64 प्लस 9 प्लस 36, ये आ गया 180। फिर है आपके 5 प्लस 12 प्लus-2 plus 4 minus 8 plus 32 plus 21 plus 48, ये हो जाएंगे 112। अब समांतर आर ज्ञात, तो ज्ञात करने का वही सूत्र है, फिर से फर्क क्या, डी लगा और हम डी लगा देंगे साथ में, बस सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन जोड़ देख लेना वापस एक बार, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, जोड़ गलत पूरा सवाल गलत हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब डी एक्स डी वाई कितना जस्ट लिखा हुआ 112, एन कितना 10, और सिग्मा डी एक्स वाई डी एक्स कितना दे रखा है, डी एक्स माइनस का 10 और वो है माइनस का 20, डी एक्स स्क्वायर 180 इंटू 10 माइनस माइनस 10 का होल स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 180 में से घटाएंगे माइनस के 20 का होल स्क्वायर, ये तो होता है 1120 माइनस माइनस वापस प्लस बन गया, 10 इंटू 20 कितने होते हैं आपके 200,
यह आएगा आपके 1800 में से गया 100 और यहां पर 10 है ना, गुणा नहीं किया, 1800 में से गए कितने 400, 1120 में से गए 200, पीछे बचे आपके 920, 1800 में से गए 100, पीछे कितने बचे 1700 और यहां पर 1400, 1700 × 1400 इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका दोनों गुणा करके क्या निकालना है, वर्गमूल निकालता आएगा 1542.72486, 920 बजट 1542.72486 ये आ जाएगा आपके 0.59634 आ गया। यस यस।